मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर के अंदर टॉपिक छेड़ा हुआ है प्रोनाउन का। प्रोनाउन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आज करने जा रहे हैं। इससे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो दो बना चुके हैं, ठीक है। और आप चाहे तो आप हम प्ले लिस्ट में जाकर हमारे इंग्लिश ग्रामर की प्ले लिस्ट में आप वो टॉपिक देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक मतलब अपने लिए जो हम प्रयोग करते हैं, मतलब खुद के लिए, स्वयं के लिए। और जैसे जब फर्स्ट पर्सन में यानी से माई, आई, माई, मी, और सेकंड पर्सन यू, यूअर, यू, और के उसके पोजेसिव केस जो होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो पोजेसिव केस होते हैं, तथा थर्ड पर्सन हमारा ही, सी, इट, दिस, दैट, और थर्ड पर्सन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके सिंगुलर में सेल्फ या प्लुरल में सेल्स शब्द लगाकर जो नया प्रोनाउन बनता है उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए कैसे। जैसे शब्द है हमारा माई, फर्स्ट पर्सन का है, पोजेसिव केस है माई, तो माई के आगे हम सेल्फ लगा देंगे तो क्या बन जाता है, माई सेल्फ, ठीक है। उसके बाद आवर, ठीक है, अवर मतलब हमारा, और अवर सेल्स मतलब हम सब का, ठीक है। तो इस प्रकार हम सिंगुलर में सेल्फ और प्लुरल में सेल्स, एल एस ई एल वी ई एस, सेल्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे यूअर का यूअर सेल्फ, और बहुवचन का जो यूअर है यूअर का यूअर सेल्स, और हिम का हिमसेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, ठीक है। इस प्रकार हम सेल्फ या सेल्स लगाकर जो हम नया प्रोनाउन बनाते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं, जैसे अब्सेंट है, प्रेजेंट है, अवेल, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, कंटेंट, प्राइड, हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, सेटिस्फाई, ले। मोस्टली इन वर्ब्स के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिस प्रकार हम इनके सेंटेंस बनाएंगे, किस प्रकार से हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, द टीचर अब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, यानी कि अध्यापक ने स्वयं खुद को क्लास से कल अनुपस्थित रखा, यानी कि अध्यापक कल स्वयं कक्षा के अंदर नहीं आया, ठीक है। अगला है जैसे दे इंजॉयड देमसेल्व्स, ठीक है, उन्होंने इन द पार्टी, दे इंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी, उन्होंने पार्टी के अंदर उन्होंने खुद ही, यानी कि जो दे का हम बहुवचन वो प्रोनाउन बनाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखा क्या बनेगा, themselves, ठीक है, उन्होंने खुद पार्टी के अंदर बहुत एंजॉय किया। आई डिड इट माई सेल्फ, आई के लिए हम क्या पोजेसिव करते हैं, माई, और माई का यहां पर सेल्फ लगाने से क्या बन जाएगा, माई सेल्फ, मैंने इसे स्वयं किया, ठीक है। डू इट योर सेल्फ, तुम स्वयं इसे करो। तो इस प्रकार जब हम सेल्फ और सिंगुलर के लिए सेल्फ और प्लूरल के लिए सेल्स का प्रयोग करते हैं तो कौन से प्रोनाउन बन जाते हैं, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आज का हमारा जो टॉपिक था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। हम एक एक करके आपको सभी साथ के साथ प्रोनाउन जो है वो करवाएंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो हम एक एक करके, आज हमारा दूसरा प्रोनाउन था ये, कल हम तीसरा प्रोनाउन यानी कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन करेंगे, ठीक है। तो कल हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।